17 हफ्ते में ये अंडा देना शुरू करेगा, 20 हफ्ते तक ये 50% प्रोडक्शन कर लेता, 24 हफ्ते में जो है ना ये अपनी 90% प्लस प्रोडक्शन लेता। मगर हमने ये देखा ये ब्लैक जो है इसने 21 हफ्ते में अपनी 90% प्लस प्रोडक्शन ले ली। चूंकि ये बड़ी कीमती R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, तो ये पूरी दुनिया में इन्होंने जगह जगह प्लेस किए होते हैं। वैसे जर्मन कंपनी है, हमने पैसे जर्मनी भेजे हैं, डीलिंग हमने जर्मन कंपनी के साथ की है, मगर उन्होंने हमें शिपमेंट जो है ना स्पेन से दिया। हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस फ्लैग में खड़े हैं इसकी 97.53 प्रोडक्शन परसों अचीव की है, 98%। तो बशर भाई जो लुमन है एक्चुअली ये जर्मन कंपनी है, मगर होता है कि ये पूरी दुनिया में इनकी प्लेसमेंट्स होती है। अगर फीड कम करेगा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी, मगर जैसे ही मौसम बेहतर होगा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, प्रोडक्शन वो 90 से 95 ग्राम करेगा तो प्रोडक्शन ठीक हो जाएगी। तो जो पूरी दुनिया में खाया जाता है 80% ऑफ कंट्रीज जो है पूरी दुनिया के वो तो ब्राउन अंडा खाते हैं। ब्राउन अंडे के फायदे ये हैं कि एक तो इसका बर्ड सख्त जान होता, ये ब्रांड है ये लेइंग मुर्गी का ब्रांड होता लेयर का ना, जो लुमन कंपनी है पूरी दुनिया में ये सबसे पीक कंपनी है जिसकी R&D जिसके बर्ड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लुमन जो है नवंबर 2020 से मैं इसका कर रहा हूँ, पहला जो फ्लॉक था टेस्टिंग के लिए जो खुद मंगवाया था PS पेरेंट स्टॉक की बात कर रहा हूँ, उससे मैंने खुद प्रोडक्शन ली, चेक किया इसकी मोर्टेलिटी कितनी है, परफॉर्मेंस कितनी है, तो माशाल्लाह वो आउट क्लास रही। उसका बर्ड हमने सेल भी किया, फार्मर को अल्लाह ताला ने इसमें से बहुत अच्छा रिस्क दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान बशर अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमए इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद है नबील भाई, लुमन ब्रांड की फार्मिंग कर रहे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कब से वो फार्मिंग कर रहे हैं और ये कौन सी मुर्गी है, तो तमाम तर मालूम से आपको आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मुबशर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का, जज़ाकअल्लाह। और मुबशर साहब मेरे पास लुमन जो है नवंबर 2020 से मैं इसका कर रहा हूँ, पहला जो फ्लॉक था टेस्टिंग के लिए जो खुद मंगवाया था PS पेरेंट स्टॉक की बात कर रहा हूँ, उससे मैंने खुद प्रोडक्शन ली, चेक किया इसकी मोर्टेलिटी कितनी है, परफॉर्मेंस कितनी है, तो माशाल्लाह वो आउट क्लास रही। उसका बर्ड हमने सेल भी किया, फार्मर को अल्लाह ताला ने इसमें से बहुत अच्छा रिस्क दिया। हाँ जी। तो उसके बाद ये वाला जो फ्लॉक जिसमें खड़े हैं ये 22 अक्टूबर 2022 को आया, तो आज है 15 अप्रैल है, तो ये मैं आज 24 हफ्ते का हो चुका। अच्छा। और इसका पहला कमर्शियल फ्लॉक हमने डाल लिया, तो दूसरा फिर हम डालेंगे, तीसरा है जो हम फार्मर्स को देना शुरू करेंगे। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि जुलाई तक की बुकिंग मेरे पास मौजूद है, 3 जुलाई तक। और लुमन ब्रांड है ये लेइंग मुर्गी का ब्रांड होता लेयर का ना, जो लुमन कंपनी है पूरी दुनिया में ये सबसे पीक कंपनी है जिसकी R&D जिसके बर्ड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दो तरह का बर्ड होता है लुमन के पास, एक व्हाइट लेयर होती है जिस तरह पूरे पाकिस्तान में सफेद अंडा खाया जाता है, तो जो सफेद अंडा आता है वो व्हाइट लेयर से आता है। अच्छा। तो व्हाइट लेयर का जो लुमन का ब्रीडर होता है उसको LSL कहते हैं, लुमन सिल्वर लाइट कहते हैं। तो जो पूरी दुनिया में खाया जाता है 80% ऑफ कंट्रीज जो है पूरी दुनिया के वो तो ब्राउन अंडा खाते हैं। ब्राउन अंडे के फायदे ये हैं कि एक तो इसका बर्ड सख्त जान होता, ये ओपन शेड में भी रह रहता है, फ्री रेंज में रह रहता है, ये ऑर्गेनिक फीड पे कुदरती गिजा पे चल लेता है, ये बैकयार्ड में रखा जा सकता है। इस बर्ड की इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसके अंडे का जो एग्शेल है बहुत अच्छे ब्राउन कलर का होता है, वो मजबूत होता है। इस मुर्गी की ब्राउन मुर्गी की कैपेसिटी होती है कि ये जो कैल्शियम बड़ी अच्छी प्रोसेस करती है। इसके अंडे का टेस्ट व्हाइट से अच्छा होता है, इसके अंडे की योक में जो कह लें कि न्यूट्रिएंट वैल्यूज होती हैं वो व्हाइट से बेहतर होती हैं। और ये समझें कि ये कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों फार्मिंग में यूज होती है, व्हाइट लेयर से और कमर्शियल फार्मिंग में यूज होती है। भाई आपने ये आप हमें ये बताएं ये कौन सी ब्रीड है और ये कहाँ से प्रोड्यूस हुई है? मुबशर भाई जो लुमन है एक्चुअली ये जर्मन कंपनी है, मगर होता है कि ये पूरी दुनिया में इनकी प्लेसमेंट्स होती हैं। मतलब एक ये असल में इनकी R&D होती है, थोड़ा समझने की जरूरत है कि सबसे ऊपर इनका बर्ड होता है प्योर लाइन। अच्छा। प्योर लाइन वो होती है जैसे ये आप लुमन ब्लैक देख रहे हैं, तो ये ब्लैक और इसका बाप होता है ब्लैक और माँ होती है काली, सॉरी बाप ब्लैक है माँ ब्राउन है। ठीक है। अब इनका आगे जो बच्चा आएगा ना इनकी फीमेल ब्लैक आएगी। ठीक है। अब इस बर्ड को डेवलप करने के लिए
16 मेल लाइन और 16 फीमेल लाइन पे काम हुआ। ठीक है, 16 लाइन पीछे जाए तो जो लाइन होगी वो प्योर लाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल पहली लाइन में हो सकता है कि उन्होंने अंडे के साइज को इम्प्रूव करने के लिए क्रॉस करवाया हो, दूसरी लाइन में अंडे का साइज अचीव करनी है तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए करवाया हो। ठीक है, तो सबसे ऊपर होती है प्योर लाइन। प्योर लाइन के बाद दूसरी लाइन आती है जिसको ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट कहते हैं। ठीक है, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट के बाद आता है ग्रैंड पेरेंट, उसके बाद आता है पेरेंट स्टॉक। ये हमारे पास पेरेंट स्टॉक मौजूद है। अच्छा। और पेरेंट स्टॉक के बाद कमर्शियल बर्ड आता है जो हम फार्मर को देते हैं जो अंडा लेने के काम आता है। अब चूंकि ये बड़ी कीमती R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, तो ये पूरी दुनिया में इन्होंने जगह जगह प्लेस किए होते हैं। वैसे जर्मन कंपनी है, हमने पैसे जर्मनी भेजे हैं, डीलिंग हमने जर्मन कंपनी के साथ की है, मगर उन्होंने हमें शिपमेंट जो है ना स्पेन से दिया। वो हो सकता है हमें कनाडा से दे देते, वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से देते, न्यूजीलैंड से दे देते, तो जिस जगह पे उनके पास बॉर्डर होता है वो उधर से दे देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ग्लोबल कंपनी है। सही होगा। तो आप फर्स्ट टाइम जब ये रीड लेके आए थे तो इसको एनवायरमेंट किस तरह की दे दी है? इन्वायरमेंट तो जो पूरी दुनिया की इन्वायरमेंट है, पूरी दुनिया में जो वेदर होता है गर्म और सर्द होता है। अभी आप देख रहे हैं ये कंट्रोल शेड में चल रही है। बिल्कुल, मुर्गी के लिए आइडियल इन्वायरमेंट 25 से 30 डिग्री होता है जो अभी हमारे पास है। हाँ, जब ये चूजा आता है तो इसको इनका भी राइट बनता है, जब चूजा आता है तो 37 डिग्री देना होता है, फिर कम करता जाता है। तो ये जो इन्वायरमेंट दी हुई है पूरी दुनिया में, यही इन्वायरमेंट दी जाती है। ठीक है, कि अगर बाहर बर्फबारी भी हो रही है तो अंदर आपने 25 से 30 टेम्परेचर देना, और बाहर अगर 50 डिग्री भी है तो आपने 25 से 30 टेम्परेचर देना। मगर इसका आगे जो बच्चा आएगा वो सख्त जान होता, उसको आप पाकिस्तान माहौल के मुताबिक बड़ा अच्छा रख सकते हैं, वो 40 डिग्री तक इजीली एडजस्ट करता। हाँ, मरेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ मरेगा नहीं, मगर गर्मी में जानवर ने पानी ज्यादा पीना होता। बिल्कुल ऐसे ही, पानी ज्यादा पिएगा, फीड कम करेगा, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी। मगर जैसे ही मौसम बेहतर होगा, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, प्रोडक्शन वो 90 से 95 ग्राम करेगा तो प्रोडक्शन ठीक हो जाएगी। तो कितने दिन के अंदर ये ब्रीडर तैयार हो जाता है? 17 हफ्ते में ये अंडा देना शुरू करेगा, 20 हफ्ते तक ये 50% प्रोडक्शन कर लेता, 24 हफ्ते में जो है ना ये अपनी 90% प्लस प्रोडक्शन लेता। मगर हमने ये देखा ये ब्लैक जो है इसने 21 हफ्ते में अपनी 90% प्लस प्रोडक्शन ले ली, ब्राउन जो है वो 23-24 हफ्ते में जाकर उसने अचीव की। सही हो गया। तो आप कौन कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं, व्हाइट और ब्लैक पे? नहीं, मेरे पास ब्राउन लेयर है, ब्राउन लेयर में दो है, एक है लुमन ब्राउन और एक लुमन ब्लैक है। ये आप लुमन ब्लैक के PS में करे हैं। जी जी। इनका क्रॉस करवा के जो हम बर्ड लेंगे वो काले कलर का आएगा। ठीक है, उसको लुमन ब्लैक कहते हैं, उसका अंडा ब्राउन आएगा। ब्राउन आएगा, ठीक है। पीछे जो बर्ड है उसकी मुर्गी सफेद होती, मुर्गा उसका रेड होता। ठीक है, इनका क्रॉस करवा के जो आगे फीमेल आएगी वो रेड आएगी, जिसको लुमन ब्राउन कहते हैं, अंडा उसका भी ब्राउन होता। अगर इन शॉर्ट ये के हैं तो ये देसी अंडे के ब्रीड है, ये व्हाइट लेयर नहीं है, ब्राउन लेयर है। अंडे की इसकी प्रोडक्शन कितनी है? हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस फ्लाग में खड़े हैं इसकी 97.53 प्रोडक्शन परसों अचीव की है, 98%। इतनी ज्यादा प्रोडक्शन इसमें।